बिहार थाना क्षेत्र इलाके के पहरपुरा मोहल्ले में हुए ब्लास्ट मामले की जांच करने एफएसएल की टीम पटना से बिहार शरीफ पहुंची। गौरतलब है कि जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा के निर्देश पर एफएसएल की टीम को पहरपुरा इलाके बुलाया गया, जहां एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकियों से मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि घटनास्थल पर पूर्व से ही खून के धब्बे और कुछ बारूद देखे गए थे। एफएसएल की टीम जांच के दौरान घटनास्थल से कई अहम सुराग अपने साथ जांच के लिए ले गई है। वहीं घटनास्थल पर मौजूद सदर डीएसपी डॉक्टर सिमी नुमानी ने कहा कि एफएसएल की टीम जांच करने पर पहाड़पुरा गांव पहुंची और घटनास्थल पर जांच कर अपने साथ कई सारे सुराग ले गई है। वहीं एफएसएल की टीम में शामिल जाँच अधिकारी ने कहा कि मौके पर से कई अहम साक्ष्य मिले हैं, जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। गौरतलब है कि पटना से दो सदस्य टीम ब्लास्ट मामले की जांच करने बिहार से ही पहुंची थी। एविडेंस लिए कलेक्शन किए हैं, बाकी लेबोरेटरी में जांच होने के बाद इसका सर तक क्या कुछ सुराग मिला सर यहाँ? अभी बताना संभव नहीं है जब तक जांच ना हो। सर कितने सदस्य टीम है सर आप लोग की जो आप यहाँ है? दो सदस्य है सर। क्या सर जानकारी क्या मिले सर घटना के बारे में? अब जब आपको एसडीपीओ साहब बता देंगे सर। छोटा छोटा जो चीज़ मिला क्या चीज़ है सर? वो जांच के बाद ही बता सकते हैं। मतलब कई अहम सुराग यहाँ पर पाई गई है? हाँ, अभी साक्ष्य मिला है, बाकी जांच के बाद। क्या लगता है? विशेषज्ञों के दलों को बुलाया गया है, एफएसएल की टीम के द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। हम लोग इसमें जो भी मामला है उसको हम लोग गहराई से जांच करा रहे हैं। सर कितने सदस्य टीम है जैसे पटना चल के आई है? देख रहे हैं आप लोग, टीम के सदस्य हैं, कई लोग हैं, सब साक्ष्य संकलन कर रहे हैं।